Hi, grade first. I'm starting chapter number 14 today. That is punctuation. Punctuation kya hota hai? Punctuation, full stop, question mark, exclamation mark, comma, इन सबको punctuations कहते हैं. जैसे full stop, जब sentence खत्म होता है तब हम full stop लगाते हैं. Comma, दो words को अलग करने के लिए, जब more than three words हो तो हम दो words को different अलग करने के लिए comma लगाते हैं. और question mark तब हम use करते हैं जब हम कोई question पूछते हैं, right? हमारा जब भी कोई हमारा कोई strong feeling हो, जैसे shock, oh, ouch, right? ये सारे strong feelings बताने के लिए, happy, हुर्रा, खुश, जब हम होते हैं वो सारी expressions, जब हम बोलते हैं तो वो हमारे लैंग्वेज से, हमारी भाषा से समझ में आ जाता है. जैसे हम दुखी हैं या खुश हैं, राइट? हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम पूछ रहे हैं या हम बता रहे हैं, राइट? वो सारी चीज़ें हम जब बोलते हैं तो नॉर्मली समझ में आ जाती है. जैसे अगर मैं आपको पूछ रही हूँ कि वे यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हो. अगर मैं आपको पूछ रही हूँ व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, राइट? तो जब भी मैं आपसे बात कर रही हूँ वो मेरी बोलने के तरीके से आपको समझ में आता है, राइट? बट जब हम सेंटेंसेस लिखते हैं तो वो सेंटेंसेस, जब तक कोई पंक्चुएशन मार्क्स वहाँ पे नहीं होंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कि ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है. फॉर एग्जाम्पल, रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. नंबर वन, माई नेम इज रोहित, आई लव टू ईट बिस्किट्स, मिल्क शेक इन इज माई फेवरेट ड्रिंक. हो गया, मतलब कि सेंटेंस कहाँ से शुरू, कहाँ पे खत्म हुआ, दो सेंटेंस के बीच में पॉज कहाँ आया, हमें समझ में ही नहीं आया, राइट? बट आई रीड द सेंटेंस. नंबर टू, माई नेम इज रोहित, आई लव टू ईट कुकीज, मिल्कशेक इज माई फेवरेट ड्रिंक. मतलब ये तीनों सेंटेंसेस जब मैंने पढ़े तो मुझे उसका क्लियर मतलब समझ में आया. मतलब मेरा नाम रोहित है, मुझे कुकीज खाना बहुत अच्छा लगता है, मिल्कशेक मेरा फेवरेट ड्रिंक है, राइट? मतलब कि जब हम बोलते हैं तब हमारे पॉजेस से हमें समझ में आता है कि ये सेंटेंसेस यहाँ ख़त्म हुए, या फिर ये वाक्य यहाँ पे ख़त्म हो के आपको आइदर क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर जो भी है आप उसको मीनिंगफुल समझ सकते हो. लेकिन जब आप लिखते हो तो अगर पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होंगे तो हमें सेंटेंस समझ में नहीं आएगा. जैसे माई नेम इज़ रोहित, आई लव टू इट, ये माय नेम इज रोहित, मेरा नाम रोहित है, आई लव टू ईट बिस्किट्स, मुझे बिस्किट खाना अच्छा लगता है, मिल्क शेक इज माय फेवरेट ड्रिंक, राइट? कहीं पे भी पॉज ही नहीं है. बट यहाँ पे देखो, माय नेम इज रोहित, फुल स्टॉप, मतलब ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया. आई लव टू ईट कुकीज, मुझे कुकीज खाना अच्छा लगता है, ये सेंटेंस यहाँ खत्म हुआ. मिल्क शेक इज माय फेवरेट ड्रिंक, मिल्क शेक मेरा फेवरेट ड्रिंक है, ये सेंटेंस यहाँ खत्म हुआ. तो पंक्चुएशन मार्क्स हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? पंक्चुएशन मार्क्स हमें समझने में हेल्प करता है कि सेंटेंस कहाँ शुरू हो रहा है और वो सेंटेंस हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, राइट? हमारे बोलने में हम हमारे एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, हमारा गुस्सा, हमारा एंगर, हमारा हैप्पीनेस, खुशी, सैडनेस, वो सारे हमारे फेस पे जब हम बोलते हैं तो हम वो एक्सप्रेस कर सकते हैं. लेकिन जब हम कोई चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम लिखते हैं हम हमारा गुस्सा नहीं दिखा सकते, हमारी खुशी नहीं दिखा सकते, हम हमारे सेंटेंसेस नहीं दिखा सकते, उस टाइम पे ये पंक्चुएशन से हमें समझ में आता है कि हम नॉर्मल सेंटेंसेस बोल रहे हैं या फिर हम खुशी जाहिर कर रहे हैं या दुख जाहिर कर रहे हैं या फिर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एवरीथिंग. सो दैट इज व्हाई पंक्चुएशन मार्क्स आर मस्ट इन द सेंटेंसेस. दूसरा, जब भी हम सेंटेंस शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट लेटर, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज बी कैपिटल, वो हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
क्योंकि सेंटेंस जब भी शुरू होता है इट हैज इट्स ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी. ये सेंटेंस शुरू हुआ, देखो यहाँ पे कैपिटल ने नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस शुरू हुआ सो इट इज रिटन इन कैपिटल. यहाँ आई कैपिटल में नहीं लिखा, यहाँ सेंटेंस शुरू हुआ. एक आई ऐसा वर्ड है, एक आई ऐसा वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में भी आएगा तो भी वो कैपिटल ही होगा. वो एक ही प्रोनाउन ऐसा है जो अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है देन टू इट विल बी ऑलवेज कैपिटल, राइट. तीसरा स्पेशल नेम्स. स्पेशल नेम्स, हम जब भी स्पेशल नेम्स की बात करते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था नेमिंग वर्ड्स में कि वॉट इज स्पेशल नेम्स. इफ आई से गर्ल, गर्ल इज अ कॉमन नेम, बट इफ आई से वैशाली, सो वैशाली इज प्रॉपर नेम. सो वैशाली इज स्पेशल नेम. सो जब भी स्पेशल नेम होगा उसके फर्स्ट लेटर्स हमेशा कैपिटल होंगे, राइट. नाउ द सेम सेंटेंसेस आर रिटर्न इन टू डिफरेंट वेज. ये जो सेंटेंसेस है वो दो तरीके से लिखे जा सकते हैं. एक एक और दो, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट, बट वी हैव टू क्लियरर द इजियर टू अंडरस्टैंड. मतलब कि ऊपर जो दो सेंटेंसेस दिए हैं उसमें फर्स्ट जो है वो हमें क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस को हम इजीली समझ पा रहे हैं. व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज दिस इज बिकॉज सेकेंड सेंटेंस कंटेन्स पंक्चुएशंस, पंक्चुएशन मार्क्स. मैंने जैसे आपको बताया पंक्चुएशन मार्क्स क्या होता है, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस ऑल आर पंक्चुएशन मार्क्स. तो जब भी हम पंक्चुएशन मार्क्स के साथ सेंटेंसेस लिखते हैं हम उस सेंटेंस को इजीली समझ पाते हैं. सम पंक्चुएशन मार्क वी आर पंक्चुएशन मार्क्स वी यूज आर कैपिटल लेटर्स. फर्स्ट कैपिटल लेटर्स से शुरू होना चाहिए सेंटेंस. नंबर टू फुल स्टॉप एंड द क्वेश्चन मार्क्स. आइदर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और अगर सेंटेंस नॉर्मल जब सेंटेंस बात कर रहे हैं तो इट शुड बी फुल स्टॉप. नाउ वी यूज कैपिटल लेटर्स टू द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. हम बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, मैंने आपको ये जब एक्सप्लेन किया तब मैंने आगे बताया कि सेंटेंस जब शुरू होता है वी शुड राइट ऑलवेज कैपिटल लेटर्स, दैट इज माई डॉग इज ब्राउन एंड कलर. नंबर टू टू राइट द स्पेशल नेम्स ऑफ द पीपल एंड प्लेस वी हैव टू राइट कैपिटल. जैसे मैंने वैशाली का एग्जाम्पल दिया कि इफ यू विल सी गर्ल, गर्ल इज कॉमन नाउन, बट इफ यू विल राइट वैशाली यू हैव टू राइट वी एज अ कैपिटल. सेम योर हिज नेम इज हैरी, उसका नाम हैरी है, सो हैरी का एच कैपिटल आएगा बिकॉज इट इज स्पेशल नेम. नंबर थ्री टू राइट आई, मैंने बताया था यहां मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आई ऐसा प्रोनाउन है कि वो हमेशा कैपिटल होगा, अगर वो सेंटेंस के बीच में भी होगा तो वो हमेशा कैपिटल होगा. इमरान एंड आई वर लेट फॉर स्कूल, मैं और इमरान और मैं स्कूल के लिए लेट हो रहे थे. तो इमरान का आई कैपिटल लिखा क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत भी है और इमरान स्पेशल नेम भी है. तो अगर इमरान अंदर सेंटेंस में कहीं अंदर होता तो भी कैपिटल ही शुरू होता. एंड आई, आई इज ऑलवेज कैपिटल बिकॉज मैंने बताया कि आई ऐसा प्रोनाउन है जो आपको कैपिटल में ही लिखना है. इमरान एंड आई वर लेट फॉर स्कूल एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू राइट फुल स्टॉप. फॉर डेज ऑफ द वीक्स, सारे डेज ऑफ द वीक्स, जैसे मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. मंथ्स ऑफ द ईयर्स, दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. एंड नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, हम जब भी लैंग्वेजेस की बात करेंगे जैसे इंग्लिश, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कोई भी लैंग्वेज, ठीक है. सो दिस ऑल लैंग्वेज शुड बी इन स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर. आई विल गो टू वॉच एन इंग्लिश प्ले ऑन संडे. सो इन इंग्लिश प्ले, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, प्ले, प्ले मतलब ड्रामा, ठीक है. हम नाटक कहते हैं गुजराती में, सो सेम लाइक प्ले. तो
हम का क्या देखने जाने वाले हैं, इंग्लिश प्ले, ऐसा ड्रामा देखने जाने वाले हैं जो इंग्लिश में हो. तो हियर इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, सो इट इज स्टार्टिंग विथ कैपिटल एंड संडे. संडे इज अ डेज ऑफ द नेम ऑफ द डे, सो इट्स अ स्पेशल नेम, सो एस इज कैपिटल. नाउ ही राइट द सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स एट सुटेबल प्लेस. आपको कैपिटल लेटर्स सुटेबल प्लेस पे लिख के सेंटेंस फिर से लिखने हैं. माई सिस्टर्स नेम इज अंजू, मेरी सिस्टर का नाम अंजू है. सो आई सेड माई एम कैपिटल क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत है और अंजू, अंजू इज अ स्पेशल नेम, सो ए कैपिटल. सो विल राइट माई सिस्टर्स नेम is Anju, right? Now, my grandparents lives in Mumbai. मेरे grandparents मुंबई में रहते हैं. My का am capital क्योंकि sentence की शुरुआत है और मुंबई, मुंबई is a name, special name for place. So, my grandparents live in Mumbai. Mumbai ka am capital. Yes. Now, number 3. My sister Risha is very naughty. My ka am capital kyunki sentence ki shuruaat hai. And Risha, meri behan ka naam kya hai? Risha. Risha is special name. So, R is capital. So, I'll write the sentence. My sister Risha is very naughty. Right? Number 4. We have holidays in May and June. हमें May and June में holidays, मतलब छुट्टियां होती हैं. So, we W is capital. Why capital? Because sentence का beginning है May and June. May and June में M capital और J का June का J capital क्योंकि ये special names है. Special name for month. So we have holidays in May का M capital एंड जून का जे कैपिटल. ठीक है. नाउ आई, आई हमेशा कैपिटल होता है, मैंने पहले भी बताया था. नंबर 5. आई लव टू स्कूल, आई लव टू बी विथ माई फादर ऑन संडेज. संडेज का एस कैपिटल क्योंकि स्पेशल नेम फॉर डेज. और आई यहाँ तो सेंटेंस की शुरुआत में है, अगर अंदर भी कहीं होता तो भी कैपिटल ही आता. I love to be with my father on Sundays. Sundays ka S capital. Right? So, hope this is clear to you all. And that's it for the day. You have to complete exercise A in your textbook. With this, I'll end this class. Goodbye, everyone. Goodbye for the day. Bye.